कि जल्द मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद उनका पटना जो है आना हो सकता है। लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी की तबीयत जो है वो काफ़ी अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है और लोग जो है वो कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। बात अगर की जाए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तबीयत पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। बात अगर की जाए तो 17 अप्रैल को ही राजद सुप्रीमो को बेल मिला था और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और लगातार लालू यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के यहाँ दिल्ली में हैं और एम्स के डॉक्टरों के निगरानी में उनका इलाज भी चल रहा है। ऐसे में आज जब तेजस्वी यादव पटना पहुँचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव की तबीयत पहले से बेहतर है और जल्द वो स्वस्थ होकर पटना आएंगे। बात अगर की जाए तो लालू प्रसाद यादव के बाहर आने के बाद जिस तरीके से सियासत तेज हुई थी, वहीं अब जब एनडीए में उठापटक जारी नजर आ रहा है, जो बयानबाजी एनडीए में हो रही है वो बता रहा है कि एनडीए की परिस्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में आज जब तेजस्वी यादव पटना पहुंचे तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के तबीयत को लेकर जो बातें कही, पहले आप वो सुन लें। सत्ता पक्ष को ये भी पता होना चाहिए कि नेता के साथ साथ हम बेटा भी हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी की तबीयत जो है वो काफ़ी अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है और लोग जो है वो कर रहे हैं। और कोविड का दौर भी था और नीतीश जी ने तो अपने सारे प्रभारी मंत्री हो या जितने जनप्रतिनिधि हो सबका हाथ पैर ही बांध रखे थे। लालू जी की तबीयत कैसी है फिलहाल? बातचीत चल रही है, डॉक्टर की निगरानी में है और हमको लगता है कि जल्द मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद उनका पटना जो है आना हो सकता है। आपने सुना तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि पहले से लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार हुआ है और जैसे जैसे तबीयत सुधरेगा उसके बाद वो पटना भी आएंगे। अब पटना आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि राजद सुप्रीमो किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब भी मौजूद रहे हैं बिहार की सियासत में तब तब राजद सुप्रीमो के साथ एक हुजूम नज़र आया है। और अब जो तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू यादव पहले से स्वस्थ हैं, उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। सत्ता पक्ष को ये भी पता होना चाहिए कि नेता के साथ साथ हम बेटा भी हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी की तबीयत जो है वो काफ़ी अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है और लोग जो है वो कर रहे हैं। और कोविड का दौर भी था और नीतीश जी ने तो अपने सारे प्रभारी मंत्री हो या जितने जनप्रतिनिधि हो सबका हाथ पैर ही बांध रखे थे। लालू जी की तबीयत कैसी है फिलहाल? बातचीत चल रही है, डॉक्टर की निगरानी में है और हमको लगता है कि जल्द मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद उनका पटना जो है आना हो सकता है।